गढ़वा जिले के बंसीधर नगर प्रखंड अंतर्गत कोलझिकी गांव में सेफ्टी टैंक से गैस रिसाव होने से उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोलझिकी की 4 छात्राएं बेहोश हो गईं। घटना दोपहर की है। बेहोश होने की सूचना मिलते ही स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्कूल के शिक्षकों ने तत्काल इसकी सूचना अनुमंडल प्रशासन को दी। वहीं एसडीओ प्रभाकर मिर्धा के नेतृत्व पर कार्यपालक दंडाधिकारी हंस हेमरोम, थाना प्रभारी आदित्य कुमार नायक एवं अनुमंडल अस्पताल की डीएस डॉक्टर सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने आनंद फानन में स्कूल पहुंचकर बीमार बच्चियों की स्वास्थ्य जाँच की। स्कूल में ही बच्चियों को स्लाइन चढ़ाया गया और दवा दी गई, जिसके बाद सभी के सेहत में सुधार हुआ। घटना के संबंध में बताया गया कि स्कूल के बगल में स्थित इम्तियाज अंसारी के सेप्टिक टैंक से निकले गैस के कारण उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोलझिकी में 4 छात्राएं वर्ग 8 की तबस्सुम खातून, वर्ग 7 की रुखसाना खातून, वर्ग 6 की आलिया खातून, वर्ग 5 के गुलाम गौस एवं वर्ग 4 की अस्मीना खातून बेहोश हो गई। इधर इस घटना के बाद स्कूल पहुंचे कार्यपालक दंडाधिकारी हंस हेमरोम ने घटना की विस्तृत जांच की। जांच के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, बच्चियों की स्थिति अब ठीक है। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद थाना प्रभारी को पूरे मामले की जांच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। जो नापी जोशी है, जो ये काम घर में दरुआ जमीन है, घर की इच्छा होना है, इम्तियाज अंसारी पिता हरी होना। कितने बच्चे बेहोश हुए थे आपके स्कूल से? आज 5 बच्चे बेहोश हो गए और बहुत सारे बच्चों को जो सैंपल उल्टी फुल्टी का जो माहौल बना, उसके बाद बहुत सारे बच्चों को हल्का फुल्का पानी चाक में धो धाकर बहुत सारे बच्चों को घर छोड़ दिया गया। उनके परिसर से बाहर बच्चों को निकाल दिया गया और जो हॉस्पिटलाइज 3-4-5 बच्चे जो बेहोश हो गए उनको हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज चल रहा है।